Hey guys, welcome back to my channel. Welcome to Sikha's Makeover. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये प्यारा सा मेकअप. और ये मेकअप आप किसी भी फेस्टिवल में कर सकते हो. बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, दीपावली दशहरा आ रही है, तो आप किसी भी पूजा में ये से कर सकते हो. इवन आप शादी फंक्शन में भी आप इसे डुप्लीकेट कर सकते हो. बहुत ही सिंपल स्टेप में, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में आपके साथ शेयर करूंगी. जो बिगिनर्स है, मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता ना, वो ये वीडियो देख के मेकअप जरूर सीख जाएंगे. तो देखने के बाद जरा सा भी अगर आपको वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी, कमेंटिव लगी, तो लास्ट में जाके आप सब्सक्राइब भी कर देना. नए हो तो बोलूंगी लास्ट में सब्सक्राइब करके जाना. और आई एम श्योर कि आप करके ही जाओगे, क्योंकि मेरी ट्यूटोरियल बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी रहती है. चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे फर्स्ट स्टेप होती है क्लींजिंग, फेस को क्लीन करना. तो मैंने वो कर लिया है और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टोनर के साथ. तो टोनर के लिए मैं यहाँ पे रोज वाटर ले रही हूँ. आप किसी भी टोनर का यूज कर सकते हैं. अच्छे से स्प्रे करना है और इसे ड्राई होने देना है. जब तक आपको फेस में ना ये अच्छे से ड्राई हो जाता है, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप. तो चलिए इसे ड्राई होने देते हैं. टोनर हमारे फेस पे अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो हम यूज करेंगे मॉइस्चराइजर. मॉइस्चराइजर करना बहुत जरूरी है फेस पे, चाहे स्किन ऑयली हो या फिर ड्राई. किसी भी तरह का स्किन पे मॉइस्चराइजर मस्ट है, क्योंकि मॉइस्चराइजर से फेस को ना हाइड्रेटेड रखेगा. अंदर से ना बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा जब आप मेकअप करोगे. फाउंडेशन वगैरह क्रैक नहीं होती है और पैचेस नहीं दिखते. और मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज करूंगी प्लम का मॉइस्चराइजर. दिस इज मैटिफाइंग, यहाँ लिखा हुआ है मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर. ये मैंने काफी टाइम पहले खरीदा था. आप इसके बड़ी पैकेजिंग भी ले सकते हो. ये मैटिफाइंग है और फेस्टिव सीजन में हमें इस तरह का प्रोडक्ट ज्यादा यूज में आता है, क्योंकि बहुत सारा काम होता है. और आप इस तरह के अगर मैटिफाइंग प्रोडक्ट यूज करते हो ना, आपको पसीना वगैरह ज्यादा नहीं आता और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है. आप चाहे तो रिकॉर्ड भी यूज कर सकते हैं. ये भी वाटर बेस्ड है, तो ऑयली स्किन वाले के लिए बहुत अच्छा है. और आप पॉन्स भी यूज कर सकते हैं. तीनों में से कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, या तो मैटिफाइंग हो या फिर वाटर बेस्ड हो. ऑयली स्किन वाले के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है. और फेस्टिव सीजन में हमें इसी तरह का मॉइस्चराइजर चाहिए होता है, जो हमारे फेस को ना काफी ज्यादा हाइड्रेट करते. तो ये मॉइस्चराइजर मैं यूज कर रही हूँ, इसकी फ्रेग्रेंस एकदम नेक्स्ट लेवल है. मॉइस्चराइजर का फैन हूं, मतलब इतना ज्यादा खूबसूरत. और इस मॉइस्चराइजर का जो स्मेल है ना गाइज, इट्स लाइक बहुत ही ज्यादा अच्छा है. नेक्स्ट लेवल की इसकी स्मेल है. बहुत ही ज्यादा ऑसम वाला इसका स्मेल है. और ये मॉइस्चराइजर ना फ्रेंड्स काफी ज्यादा अमेजिंग है. लगाते ही ना फेस में एकदम मैटिफाई हो जाता है, प्लस हाइड्रेट भी करता है बहुत अच्छे से. क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर हो गया है. अब आती है बॉडी प्राइमर की. तो प्राइमर के लिए मैं यूज करूंगी स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस. ये प्रोडक्ट बस लगाने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब आपने पूरे फेस में ना कोई एकदम ही सुंदर सा हाइलाइटर लगाया. मैं इसे फाउंडेशन के साथ भी मिक्स कर लेती हूँ. मैं इसे ऐसे भी लगाती हूँ, इसके साथ मैं ब्लश वगैरह लगा लेती हूँ. और कभी भी आपको कहीं जाना हो ना फटाफट, तो आप इसे यूज कर सकते हैं. प्राइमर का भी काम करता है, साथ ही साथ ये फेस को इल्यूमिनेट भी करता है. बहुत ही अच्छा रेडियंस आता है फेस में. इस तरह से आपको लगाना है. मैं इसे चीजों में लगाना ज्यादा पसंद करती हूँ, तो इस तरह से लगाएंगे. और देखिए इसको लगाते ही कितना ज्यादा ग्लो आता है ना, अमेजिंग वाली जो ग्लो होती है ना. ये देखिए कितना खूबसूरत सा ग्लो आया. कुछ भी मैंने नहीं किया, फिर भी बस ये एक प्रोडक्ट की वजह से फेस इतना ज्यादा ग्लोई और ग्लोई लगता है. और अब मैं यूज करूंगी फॉरएवर 52 की कैमोफ्लेज पैलेट. और मैं यूज कर रही हूँ ये वाला शेड, साथ साथ मैं इसको भी मिक्स करूंगी. आप चाहे तो पहले ऑरेंज कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. मैं ज्यादातर पसंद करती हूँ अपने स्किन टोन से डार्कर टोन यूज करना, तो मैं ये वाला शेड यूज करूंगी अपने फेस को कंसील करने के लिए. जो भी आपको डार्क सर्कल दिख रहा है, या फिर अराउंड माउथ दिख रहा है, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है ना, अनइवन स्किन जहाँ पे भी दिख रहा है, उस जगह को हम करेंगे कंसील. इस तरह से हम अपने अंडर आई को कंसील कर लेंगे. कंसील का मतलब होता है फेस को इवन टोन में लाना, यानी कि जो भी आपके अंडर आईज में प्रॉब्लम है, माउथ के अराउंड प्रॉब्लम है. और कोई भी नहीं चाहता है कि मेकअप के बाद ना इस फेस बहुत ही अनइवन लगे, कहीं से डार्क सर्कल वगैरह दिखे, एक्ने मार्क्स दिखे, ये सब कोई भी नहीं चाहता. इसलिए हम करते हैं कंसील. और कंसील करने के लिए हम इस तरह से डार्कर टोन यूज करते हैं. अपने स्किन से दो टोन डार्कर आप यूज कर सकते हैं. मैंने कर लिया है कंसील और मैं यूज करूंगी ब्लेंडर अच्छे से ब्लेंड करने के लिए. और ये ब्लेंडर काफी ज्यादा अच्छी है, माइग्लैंड के ब्लेंडर. जब से मैंने यूज किया है इसे, मैं इसको ही यूज कर रही हूं. काफी ज्यादा सॉफ्ट भी है.
और कंसील करने के बाद आप देख सकते हैं फेस एक इवन टोन में आ गई है। अब हम यूज करेंगे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए मैं यूज करूंगी फॉरएवर 52 की अल्ट्रा डेफिनेशन फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन इसका शेड है 015, FLF 015। और ये शेड मेरे स्किन टोन के लिए थोड़ा सा डार्क टोन है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसमें मिक्स करूंगी फॉरएवर 52 की अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन प्रो आर्टिस्ट का, इसका शेड है कस्टर्ड। तो मैं ये दोनों फाउंडेशन को मिक्स करके अपने स्किन टोन में एडजस्ट करके इसे यूज करूंगी। तो पहले मैं ले रही हूँ फॉरएवर 52 का फाउंडेशन, इतना मैंने लिया है। और इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ फॉरएवर 52 की कस्टर्ड शेड फाउंडेशन की। दोनों शेड को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर मैं अप्लाई करूंगी। अब ये देखिए ये मेरे शेड में आ चुका है। अब इस तरह से हम अप्लाई करेंगे। मैं यूज कर रही हूँ वैली की ब्रश, इस तरह से बफिंग ब्रश, और मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन। और ये देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर ब्लेंडिंग मैंने सारा फाउंडेशन यूज कर लिया, फेस कितना ज्यादा ग्लोई और ड्यूई लग रहा है। ये फाउंडेशन काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है। पर्सनल यूज के लिए आप लीजिए, या फिर आप मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप करना चाहते हैं, दिस इज द वेरी गुड फाउंडेशन गाइज, जस्ट गो फॉर इट। मैं यूज करूंगी ब्लश, और ये ब्लश है स्विस ब्यूटी की ब्लश, काफी ज्यादा प्यारी है। इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट ले रही हूँ हाथ पे, थोड़ा सा ही लेना है बस इतना, ज्यादा क्वांटिटी आपको नहीं लेना। और इस तरह से अप्लाई कर लेंगे हम अपनी चिक पे। आज मैं काफी ज्यादा अच्छी टेक्निक आपको बताने वाली हूँ कैसे आप इस फेस्टिव सीजन रेडी हो सकते हो। और ये मेकअप लुक ना कोई भी कर सकता है, जो भी देख रहा है, जो बिगिनर्स है, नहीं आ रहा है मेकअप करना, प्लीज आप इस तरह से करो, आपकी मेकअप बहुत ही अच्छी होगी और एकदम ही प्रोफेशनल लगेगी देखने में। इस तरह से हम करेंगे ब्लेंड। और आजकल जो है ना ब्लश इस तरह से यूज करना काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है और बहुत ज्यादा पसंद आता है, मुझे भी इस तरह से यूज करना है। लाइक अगर आप इस तरह से ब्लश यूज करते हो ना, फेस बहुत ही बबली सा लगता है, बहुत ही ग्लोइंग ग्लोइंग लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप इस तरह से हमेशा ही ब्लश यूज किया करो। ब्लश जिस समय हम लगाते हैं ना फ्रेंड्स, उस समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये फेड हो जाता है, तो आपको पिगमेंट जो है ना कम हो जाएगी इसके। आप इस चीज की टेंशन ना लो कि बहुत ज्यादा लग रहा है ब्लश, ये कुछ देर में फेड हो जाएगा। इस तरह से साइड थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगी और थोड़ा सा इसमें हाथ में ले लेती हूँ, बहुत ही थोड़ा सा मैंने लिया है। और यहाँ पे मैं लगाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे कम लग रहा था। और इस तरह से लगाएंगे, देखिए हमारी ब्लश कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम यूज करेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं यूज करूंगी प्रो आर्टिस्ट का ये फाउंडेशन। हाइलाइटिंग के लिए आप हमेशा फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं, ये नई टेक्निक है जो मैं आपको बता रही हूँ। जरूरी नहीं कि हाइलाइटर के लिए आप कंसीलर ही यूज करें, फाउंडेशन भी आप कर सकते हैं यूज, और कंसीलर के लिए भी आप एक डार्कर सेट का फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 की प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन एज अ हाइलाइटर। आप कंसीलर भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से मैं अप्लाई करूंगी थोड़ा सा, और यहाँ पे भी इस तरह से हम हाइलाइटिंग करेंगे अपने टी जोन पे इस तरह से। तो ये सारी जगह है जहां पे हम करते हैं हाइलाइटिंग। और मैं यूज करूंगी छोटा सा ब्रश इसको ब्लेंड करने के लिए। ये ब्रश भी बेली के हैं, काफी ज्यादा अच्छे ब्रशेस हैं बेली के, जो बिगिनर्स है आराम से इस ब्रश को यूज कर सकते हैं।
मुझे हमेशा इजी वीजी लगता है जब मैं अपनी बेस कर लेती हूँ, फिर मैं आई मेकअप करती हूँ, तो बहुत आराम से और जल्दी मैं कर पाती हूँ। इसलिए मैं हमेशा, आपने देखा होगा कि मैं अपना बेस कंप्लीट करती हूँ और कोई फॉल आउट भी नहीं होती, कोई पैचेस भी नहीं होती। जनरली क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि जब आप बेस कर लेते हो तो आपकी फॉल आउट होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, कभी भी फॉल आउट नहीं होता मेरा, और पैचेस भी नहीं दिखती है मेरी फेस में। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छे से मेकअप सेट करते हो। अगर आप मतलब बहुत दिनों से कर रहे हो मेकअप, तो आपकी बेस कहीं नहीं हिलेगी। और हमारी बेस हो गई है कंप्लीट, तो हम करेंगे बेस को लॉक। उसके लिए मैं यूज करूंगी Forever 52 की बनाना पाउडर, और ये पाउडर बहुत अच्छे से मेकअप को लॉक करता है, बेस को सेट करता है। याद रखिए, जब भी आप बेस को सेट कर रहे हैं, आपका पूरा क्रीम प्रोडक्ट जो आपने अप्लाई किया है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप इस यहाँ पे क्रीम कंटूर लगाना चाहते हैं, तो वो आप इसी स्टेज पे लगाएंगे, आप इसके बाद आप क्रीम कंटूर नहीं लगा सकते। इसीलिए जब भी आप पाउडर कर रहे हो, तो आपको ये याद रखना है कि इससे पहले आपने सभी अपनी क्रीम प्रोडक्ट्स को यूज कर लिया हो, क्योंकि इसके बाद हम सभी प्रोडक्ट्स जो यूज करेंगे वो हमारी पाउडर प्रोडक्ट्स होगी। आफ्टर पाउडर सेटिंग हम पाउडर ही यूज करेंगे, और इससे पहले आप चाहे तो क्रीम यूज कर सकते हैं। ये चीज का काफी ज्यादा आपको ध्यान देना है। अगर आप ये नहीं करते, इसके बाद अगर आप कोई भी क्रीम प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो मेकअप में पैचेस आ जाएगी। तो इसलिए आप हमेशा याद रखिए, बिफोर पाउडर सेटिंग आप करेंगे अपने बेस को क्रीम प्रोडक्ट्स को यूज। मैं यूज करूंगी Forever 52 की पाउडर, लेकिन उससे पहले मैं यू अपने अंडर आईज को सेट करूंगी। इस तरह से आप जो भी अंडर आईज में क्रीज वगैरह है ना, उसको सेट करेंगे पाउडर, और पाउडर को थोड़ा थोड़ा मैं इस तरह से डस्ट अप करूंगी। साथ ही मैं अपने फेस को इस तरह से सेट कर लूंगी। अपने अंडर आईज को सेट करना है ऐसे, मेक श्योर कि आपने क्रीज रिमूव कर दिया हो। जब भी आप अंडर आईज सेटिंग करते हो, तो आप अपने क्रीज को रिमूव करके ही करो, उससे आपकी फेस में क्रीज वगैरह नहीं आएगी, लाइंस वगैरह नहीं आएगी। अगर आपने क्रीज को सेट नहीं किया है ब्लेंडर से और आपने पाउडर लगा दिया, तो आपकी क्रीज वैसे ही फिक्स हो जाएगी। और कभी भी पाउडर डायरेक्ट नहीं यूज करना है, हमेशा पाउडर को ना इस तरह से थोड़ा सा पैक लेके आप उसे डस्ट अप करो, उसके बाद यूज करो। हाँ, हो गया है मेरा मेकअप बेस सेट। तो मैंने कर लिया है अपने फेस को लॉक, मेकअप को लॉक। और इस तरह से अगर आप अपने मेकअप को लॉक करते हो, तो आपका मेकअप काफी समय तक, लंबे समय तक एज इट इज रहेगा। और अब मैं यूज करूंगी ब्लश कंटूर एंड हाइलाइटर पैलेट, और ये है मार्स की ब्लश कंटूर एंड हाइलाइटर। तो आप, मैं यहाँ पे यूज करूँ ये सारे सेट्स लेके, मैं इस तरह से डस्ट अप करूंगी और ऐसे अप्लाई करूंगी। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, ब्लश समय ना ज्यादा, अभी लगाते समय ब्लश ज्यादा लगता है, उसके बाद ब्लश ऑटोमेटिकली फेड हो जाता है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं घबराना, आप थोड़ा थोड़ा ब्लश नहीं करोगे, अच्छे से ब्लश अप्लाई करोगे, कुछ समय बाद ये खुद ही डाउन हो जाएगा। अब मैं करूंगी फेस को इस तरह से कंटूर, जिसके लिए मैंने पाउडर कंटूर यूज किया है, इस तरह से डस्ट अप करेंगे एक्स्ट्रा को। और यहाँ पे आप देखिए, कंटूर करते समय बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, तो आपको यहाँ लाइन बना लेना है। ये जो आपके कान के ऊपर ऊपर वाला पॉइंट है ना, यहाँ से लेके आप बस ऐसे करोगे, और आईब्रोज के नीचे तक, यहाँ तक आपको आना है, इससे आगे आपको नहीं जाना है। तो ऐसे करेंगे और ये एंगल इस तरह से लेंगे, एंगल ब्रश। और थोड़ा सा मैं फोरहेड पे भी लगाऊंगी इस तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं फेस में शैडो क्रिएट हो गया है। अगर आपका फेस बहुत ही ज्यादा चबी है मेरी तरह, तो आप इस तरह से कंटूर कर सकते हैं। अगर आपका फेस बहुत ही पतला है, तो ज्यादा कंटूर करने का नीड नहीं है, करना तो पड़ेगा, क्योंकि जब फाउंडेशन लगाते हैं तो फेस एक ब्रॉडनेस आ जाती है, उसे कट करने के लिए कंटूर एकदम ही जरूरी है, लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे। अगर मेरा मेरे फेस की तरह आपका भी फेस है, आप देखिए, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा फ्रेंड्स, इस साइड और इस साइड, एकदम ही यहाँ एकदम ही चिजल लग रहा है, और इस साइड एकदम ही फ्लैट लग रहा है। तो इसीलिए हमको कंटूर
करना बहुत जरूरी है। अगर आपका फेस मेरे तरह है, बहुत ही चबी सा, भारी सा, तो आप जरूर कंट्रोल करें। तो अब हम यूज करेंगे फिक्सर। फिक्सर के लिए मैं यहाँ पे माइक्रो फिक्सर यूज कर रही हूँ पीएसी की। इस तरह से मैंने स्प्रे कर लिया और इसे अच्छे से ड्राई होने देंगे। और जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो मैं यूज करूंगी हाइलाइटर, और हाइलाइटर मैं यूज कर रही हूँ सुगर का। इस तरह से थोड़ा सा हाइलाइटर लेंगे, डस्ट अप करेंगे एक्स्ट्रा जो भी होगा, और इस तरह से अप्लाई करेंगे। कितना ज्यादा अमेजिंग ग्लो करता है। इस तरह से अप्लाई करना है हाइलाइटर को ब्लेंड करते हुए। कभी भी हाइलाइटर को बस लगा के आपको छोड़ना नहीं है, उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने से उसकी साइन बहुत ही अच्छी आती है, डबल ट्रिपल हो जाती है साइन। प्लस हमने अप्लाई किया था फिक्सर, तो फिक्सर अप्लाई करने के बाद भी हाइलाइटर की साइन बहुत अच्छी आती है। फोरहेड पे भी अप्लाई करना है। यूज करूंगी अपनी नोज पे। तो इस तरह से हो गया है मेरा हाइलाइटर पार्ट रेडी। अब मैं लिप्स के लिए यूज कर रही हूँ मिस क्लियर की ये ब्राउन पेंसिल। आउटलाइन करेंगे पहले लिप्स को। लिपस्टिक के लिए मैं यूज करूंगी फॉरएवर 52 की 2 शेड। बहुत ही ज्यादा प्यारी लिपस्टिक है, बहुत ही लाइट वेट, मैट फिनिश। प्लस ये लिपस्टिक लगाने के बाद आप सारा दिन ना एकदम कंफर्टेबल रहोगे। यूज करूंगी 002 और शेड 011, दोनों को मिक्स मैच करके मैं थोड़ी सी न्यूड पिंक शेड में अप्लाई करूंगी। के ऊपर थोड़ा सा मैं टॉप कर रही हूँ 002, बहुत ही थोड़ा सा ले रही हूं मैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा आम्ब्रे इफेक्ट आ रहा है। और इसके बाद हम करेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल सा आई मेकअप, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। इजी इजी आई मेकअप जो बिगिनर्स कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और अब मैं यूज करूंगी पीटी ऑल सेट पैलेट। इसमें सारे कलर्स मिल जाते हैं, बिगिनर्स के लिए बहुत ही प्यारा पैलेट है। और आई मेकअप के लिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ लाइट ब्राउन कलर से। हमेशा क्रीज के ऊपर या फिर क्रीज लाइन पे जब भी आप अप्लाई करते हैं, सबसे फर्स्ट कलर जो होता है ट्रांजिशन, वो आप या तो ब्राउन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पिंक यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन यूज़ किया है और शेड जो है ना वो लाइट ब्राउन, एकदम ही लाइट ब्राउन है। इसको थोड़ा थोड़ा लेंगे और इस तरह से एक बड़े फ्लॉपी ब्रश के साथ आप उसे ब्लेंड कर देंगे कुछ इस तरह से। अब मैं ले रही हूँ डार्कर ब्राउन कलर, जिसे मैं अपने आईलिड एरिया पर इस तरह से डिपॉजिट करूँगी। डिपॉजिट करते हुए मैं ब्लेंड कर रही हूँ। एक ही साथ बहुत सारा कलर अगर आप ले लेते हो फ्रेंड्स ना, तो आपके पैचेस पड़ जाते हैं, तो वो ब्लेंडिंग सही से नहीं हो पाती, ट्रांजिशन नहीं दिखेगी आपकी कलर्स में। इसीलिए हमेशा थोड़ा थोड़ा कलर लें। सेम लाइट ब्राउन को मैंने नीचे लोअर लैश पे अप्लाई किया है। फेसेस की काजल अप्लाई कर रही हूँ और उसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। इस तरह से छोटा सा ब्रश ले रही हूँ बेली के, और ब्लैक कलर के साथ मैंने इस तरह से काजल को स्मज किया है। मैं नहीं चाहती हूँ काजल दिखे, अलग से भी स्मज्ड लुक रहे, पूरा एलोंगेट करूँगी इस तरह से। और फिर सारे कलर्स को मैं एक साथ ब्लेंड करूँगी ताकि कलर्स बहुत ही ब्यूटिफुली ब्लेंडेड लगें। मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। हम करेंगे अपने आईब्रोज। उसके लिए आप किसी भी शेड का यूज करें। मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी की ये वाली डार्क ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ। हम करेंगे लैस को कर्ल। सबसे पहले लैस मैं इस जगह पे थोड़ा सा पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मेरी आईज जो है ना थोड़ा सा क्रिस्प क्रिस्प दिखे। तो यहाँ पे आप इस तरह से पाउडर लगा सकते हैं। और हो गई है आई मेकअप कंप्लीट। अब
हम लगाएंगे ग्लिटर्स, लेकिन उससे पहले ना मैं थोड़ा सा अपने आईज को हाईलाइट करूंगी। आप देख सकते हैं इस आईज में मैंने आईब्रो बोन को हाईलाइट किया, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, कोई भी आप हाईलाइटर ले सकते हैं। और स्टार्ट करेंगे मिड से। प्यारा लगता है। मैं यूज करूंगी अब मैबलिन हाइपर कर्ल्स मस्कारा। तो मैं अब यूज करूंगी फॉरएवर 52 की फ्लैक्स, और इसका शेड है 003। और ये आप देख सकते हैं खोलने के साथ ही ये उड़ना शुरू हो गया फ्रेंड्स। मैं बस इसका पैलेट में जो है ना थोड़ा सा ऐसे ले रही हूँ और मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी बस इस तरह से। बहुत ही हल्का सा और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है ये आई मेकअप एक्चुअली। फाइनली मेरी मेकअप डन है, मैं थोड़ा सा ब्लश ऐड कर रही हूं। एंड दिस इज द फाइनल लुक गाइस, यू कैन सी कितनी ज्यादा प्यारी मेकअप लग रही है। एंड लेट मी कम आफ्टर दिस ज्वेलरी। एंड गाइस दिस इज द फाइनल कंप्लीट लुक। गाइज होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही पसंद आया होगा और हेल्पफुल रही होगी ना, जो बिगिनर्स हैं जिनको मेकअप करना नहीं आता है। आई हैव एड सो मेनी टिप्स फॉर यू गाइज, सो प्लीज़ अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल मैंने शेयर किए हैं, डू वॉच देम आउट। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी फ्रेंड्स, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज।